हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में हम लेके आए आपके लिए आरएचसीएसए सीरीज का पार्ट 20, जो कि होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कैसे आप लिनक्स की जो प्रोसेस हैं उन्हें मॉनिटर कर सकते हैं या फिर उन्हें मैनेज कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर इससे पहले की वीडियोज को आपने नहीं देखा है तो मेरी रेड हैट की प्लेलिस्ट में जाइए और सारी वीडियोज को देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है, किसे कहते हैं प्रोसेस। तो अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम दैट इज रनिंग ऑन योर सिस्टम, मींस आपके सिस्टम में जो भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं वो सारे क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस कैन इनिशिएट अ सब प्रोसेस विच इज कॉल्ड अ चाइल्ड प्रोसेस। प्रोसेस जो है इनिशिएट कर सकती है, मीन्स अपने साथ में रन करा सकती है चाइल्ड प्रोसेस को, यानी अपने साथ की जो प्रोसेस है उसे क्या चाइल्ड प्रोसेस कहेंगे, और ये जो रेफरेंस रहेगी वो किस तरह की पैरेंट प्रोसेस, यानी उसे कंट्रोल कौन करेगा, पैरेंट प्रोसेस करेगा। अब लिनक्स के अंदर देखो होता क्या है, लिनक्स के अंदर पैरेंट प्रोसेस जो है वो अपना एक खुद का डुप्लीकेट क्रिएट करती है, मींस डुप्लीकेट ऑन एड्रेस स्पेस क्रिएट करती है, जिसे हम यहाँ पर फॉर्क कहते हैं। और एक्चुअल में जो सारा काम करता है वो फॉर्क करता है, मींस यहाँ पर पैरेंट प्रोसेस कुछ नहीं, बस क्या किया इन्होंने, स्टार्ट हुआ अपना डुप्लीकेट क्रिएट किया और देन ये स्लीप पर चला गया, बाकी सारा काम अब यहाँ पे कौन कर रहा है, फॉर्क कर रहा है। फॉर्क जितनी भी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होनी है उन सबको क्रिएट करेगा, एंड इन लास्ट में जब लास्ट में आप करोगे तो लास्ट में क्या होगा, जिस टाइम पे आप प्रोसेस को किल करोगे तो उस टाइम पे आपका जो मेन पैरेंट प्रोसेस है वो दोबारा से अवेक होगा और आपकी जो भी प्रोसेस रन हो रही है उसे आपका किल करेगा और एंड हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी प्रोसेस है उन सबके साथ में एक यूनिक आईडी असाइंड रहती है, यूनिक प्रोसेस आईडी असाइंड रहती है, जिसे आप पीआईडी कहते हो। PID means क्या है, प्रोसेस आईडी, जिससे आप उसे ट्रैक कर सकते हो कि यहाँ आपकी प्रोसेस कौन सी रन हो रही है सिक्योरिटी पर्पज से या फिर ठीक है। इसके बाद अगर थोड़ा सा और हम इसे समझें, यहाँ पर देखो मैंने एक डायग्राम क्रिएट किया हुआ है। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि सबसे पहले ये क्या है आपकी पैरेंट प्रोसेस, पैरेंट प्रोसेस स्टार्ट हुई, इन्होंने क्या किया अपना एक डुप्लीकेट क्रिएट किया जिसे हम फॉर्क कहते हैं। डुप्लीकेट क्रिएट होने के बाद इस डुप्लीकेट ने चाइल्ड प्रोसेस को रन कराया, इस चाइल्ड प्रोसेस ने और भी चाइल्ड प्रोसेस को रन कराया, और लास्ट में जब लास्ट में आप क्या करोगे, एग्जिट करोगे, आप प्रोसेस को किल करोगे, तो दोबारा से जो आपकी पैरेंट प्रोसेस है वो अवेक हुआ और उसे एग्जिट कर दिया, राइट। इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस का जो लाइफ साइकिल है वो वर्क करता है लिनक्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो प्रोसेस क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो आपकी एक तो देखो प्रोसेस के साथ में प्रोसेस की स्टेट रहती है। स्टेट मीन्स क्या है कि आपके प्रोसेस स्लीप पर है कि रनिंग में है या फिर टर्मिनेट हो चुकी है, और भी सही हम सारी प्रोसेस स्टेट के बारे में वन बाई वन यहाँ पर बात करेंगे। दूसरा क्या रहता है, वन और मोर एग्जीक्यूशन थ्रेड ऑफ प्रोग्राम कोड, यानी ये क्या एक से ज्यादा जो एग्जीक्यूशन थ्रेड है प्रोग्राम कोड के साथ में, मतलब जो आपकी चाइल्ड प्रोसेस रन हो रही है वो सारी एक प्रोसेस के साथ में रहती है। एलोकेटेड सिस्टम रिसोर्सेज, कितने सिस्टम आपके जो एलोकेटेड है, मीन कितना रैम यूज हो रहा है, कितना प्रोसेसर यूज हो रहा है, वो सारी चीजें भी यहाँ पर कनेक्टेड रहती है। एन एलोकेटेड मेमोरी स्पेस, और आपका मेमोरी स्पेस की कितना रैम कहाँ पर आपका लोड हो रहा है, कितना इसने अभी रैम ले रखा है या कितना भी और लेने वाला है, सारी चीजें वहां पर एलोकेट रहती है। द एनवायरमेंट ऑफ प्रोसेस इंक्लूड, प्रोसेस का एनवायरमेंट मींस क्या है कि प्रोसेस के साथ में क्या क्या चीज लिस्ट रहती है, तो वो क्या यहाँ पर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, जो कि आपका लिस्ट सिस्टम में कनेक्टेड हो रहा है उसके लोकल एंड वेरिएबल सारे रहते हैं। करंट शेड्यूलिंग कॉन्टेक्स्ट, जो ये समय शेड्यूल्ड हो रखी है, यूज हो रही है रनिंग में टर्मिनेट में, उसके कॉन्टेक्स्ट वहां पर रहते हैं। एलोकेटेड सिस्टम रिसोर्स, तो ये सारी चीजें किसी भी एक प्रोसेस के साथ में वर्क करती है, प्रोसेस के साथ में कंसिस्ट रहती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर प्रोसेस के टाइप की बात करें तो प्रोसेस तीन टाइप की हो सकती है, तो यूजर प्रोसेस हो सकता है, दूसरा डेमन प्रोसेस एंड थर्ड इज कर्नल प्रोसेस। तीनों प्रोसेस का मतलब क्या है, तो यूजर प्रोसेस की बात करें तो मोस्ट प्रोसेस इन द सिस्टम आर यूजर प्रोसेस, मोस्ट ऑफ द सिस्टम की जो प्रोसेस है वो क्या यूजर प्रोसेस है। जब आपने यूजर को रन कराया तो उसके साथ में उस यूजर को रन कराने के लिए जो जो प्रोसेस यूज हो रही है उसके साथ के प्रोग्राम के साथ में जो भी आपकी प्रोसेस रन हो रही है वो सारी क्या यूजर प्रोसेस है, जिसका एक तरीके से ऑनर है वो क्या यूजर है। डेमन प्रोसेस क्या होती है, डेमन प्रोसेस इज एन एप्लीकेशन दैट इज डिजाइन टू रन इन बैकग्राउंड, ये क्या आप कुछ इस टाइप की एप्लीकेशन है जो कि बैकग्राउंड में रन होती है, जैसे फायरवॉल है, फायरवॉल क्या आपका बैकग्राउंड में रन होता है, एक टाइप की एक आपकी एप्लीकेशन एक टाइप की सर्विस है। डेमन प्रोसेस माइट लिसन फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट, ये क्या करता है आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट को लिसन करता है फॉर एक्सेस टू अ सर्विस, सर्विस को एक्सेस करने के लिए। सपोज आपने फायरवॉल का एग्जांपल लिया, तो फायरवॉल में अगर आपने किसी नेटवर्क को अलाउ कर रखा है या डिनाई कर रखा है, देन उस कंडीशन में जैसी रिक्वेस्ट आएगी तो ये उसे एक्सेप्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर बिहेव करेगा कि आपको अलाउ करना है या डिनाइड करना है। अ डेमन कैन बी कंट्रोल थ्रू सिस्टम सीटीएल, इसके लिए सिस्टम सीटीएल से आप कंट्रोल कर सकते हो, आगे पूरा इसका चैप्टर है जो कि हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।
कर्नल प्रोसेस की बात करें तो कर्नल प्रोसेस सिर्फ कर्नल स्पेस में ही एग्जीक्यूट होती है। कर्नल प्रोसेस को कोई भी यूजर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। कर्नल प्रोसेस इज मोर पावरफुल देन डेमन प्रोसेस, और ये मोर पावरफुल होती है यानी आपके सिस्टम में मेनली जितना भी वर्क हो रहा है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो एक फाउंडेशन कह सकते हो, वो क्या आपका ये कर्नल प्रोसेस पे चल रहा है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोसेस स्टेट, मीन्स आपकी जो प्रोसेस है उसकी कौन कौन सी स्टेट हो सकती है। जैसे यहाँ पर रनिंग है, स्लीपिंग है, स्टॉप्ड है, या फिर आपके जॉम्बी है, तो ये सारी क्या प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको जो है सिग्नल दिखेंगे। जैसे टास्क अगर आपका रनिंग में है तो आपको आर सिग्नल दिखेगा, या सॉरी आर सिग्नल दिखेगा, या फिर स्लीपिंग में है तो आपको यहाँ पर स्लीपिंग में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे एस हो सकता है, डी हो सकता है, के हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इन सारी चीजों को समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट, और फिर मैं इन सारी चीजों को आपको दिखा। इसके बाद समझते हैं यहाँ पर लिनक्स की प्रोसेस की स्टेट की। जो अभी हमने देखा था कि आर फॉर रनिंग है, स्लीपिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट एस डी के आई दिख रहा था आपको, तो यहाँ पर ये सारे क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ रनिंग की बात करें तो देखो एक्चुअल में रनिंग का मतलब क्या होता है, आर यानी टास्क आपका रनिंग में, द प्रोसेस इज एदर एग्जीक्यूटिंग ऑन अ सीपीयू और वेटिंग टू रन, मीन्स या तो आपके प्रोसेसर पर रन हो रही है, प्रोसेस हो रही है, या फिर वेटिंग कर रही है रन करने के लिए। ठीक है, द प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग यूजर रूटीन और कर्नल रूटीन, सिस्टम कॉल्स और क्यूड और टू रेडी व्हेन इट्स रनिंग। तो वही चीज है, या तो आपके सिस्टम पर रनिंग हो रही है, आपके कर्नल के साथ में एग्जीक्यूट हो रही है, या फिर वेट कर रही है, क्यू में है, यहाँ अब इसके बाद में से रन होना है। ठीक है, दूसरा आता है यहाँ पर स्लीपिंग। तो स्लीपिंग का मतलब क्या होता है, स्लीपिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले एस है, एस मतलब टास्क इंटरप्टेबल। टास्क इंटरप्टेबल का मतलब क्या है, यहाँ पर द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम कंडीशन, अ हार्डवेयर रिक्वेस्ट, यानी ये अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वेटिंग कर रहा है कुछ कंडीशन के, जैसे हार्डवेयर की रिक्वेस्ट, सिस्टम रिसोर्सेज के एक्सेस के, सिग्नल, व्हेन एनी इवेंट और सिग्नल सेटिस्फाइड द कंडीशन द प्रोसेस रिटर्न टू रनिंग। मीन्स यहाँ पर स्लीपिंग पर तो है लेकिन ये वेट कर रहा है कि हाँ आप कोई एक्शन लो और एक्शन के बाद में, या फिर किसी हार्डवेयर रिक्वेस्ट पे जैसे रिक्वेस्ट करे तब वो रन हो, मीन्स बैकग्राउंड में स्लीप है। जैसे ही आप उसकी रिक्वेस्ट करोगे, उसे चाहते हो कि वो रनिंग में आए, तो ऑटोमेटिकली ये रनिंग में आ जाएगी, मीन्स इंटरप्टेबल है, दैट्स ओके, ये प्रॉपर एक कंडीशन मानी जाती है। जबकि दूसरा जो डी है, डी मतलब क्या, टास्क अन इंटरप्टेबल, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो स्लीपिंग, स्लीपिंग पर है, बट अनलाइक एस स्टेट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू सिग्नल, लेकिन ये किसी भी सिग्नल को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सिग्नल मीन्स कि अगर कोई भी हार्डवेयर रिक्वेस्ट या कुछ भी आता है तो उस पर यह रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, यानी स्टार्ट रनिंग में नहीं होगा। यूज्ड ओनली व्हेन प्रोसेस इंटरप्शन माइट कॉज एन अनप्रिडिक्टेबल डिवाइस स्टेट, और ये स्टेट कब आती है, जब सम टाइम आपका जो प्रोसेस है वो इंटरप्ट हुआ है किसी वजह से, हो सकता है किसी आपकी डिवाइस स्टेट की वजह से, कोई हार्डवेयर काम करना बंद गया, या फिर कोई आपने ऐसा सपोज प्रोसेस काम कर रही थी किसी दूसरी प्रोसेस के साथ में, और वो उस कंडीशन में दूसरी प्रोसेस को आपने वहां पर किल कर दिया है, तो इस प्रोसेस को जो सपोर्टिंग में प्रोसेस चाहिए थी वो काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में ये स्टेट आपको देखने को मिलती है। के मतलब क्या होता है, टास्क की लेवल, आइडेंटिकल टू द अनइंटरप्टेबल डी स्टेट, मीन्स इसी की तरीके से ये भी के स्टेट है, बट मॉडिफिकेशन अलाउ अ वेटिंग टास्क टू रिस्पॉन्ड टू अ सिग्नल दैट इट शुड बी किल्ड, मीन्स आप इसे सिंपली किल कर सकते हो, इस पे आपको ऐसा कोई फोर्सफुली की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे आप सिंपली किल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आई स्टेट अगर देखें यहां पर, तो आई का मतलब क्या, टास्क रिपोर्टेड आइडल, अ सबसेट ऑफ स्टेट डी, डी का ही सबसेट है, द कर्नल डज नॉट काउंट दीज प्रोसेस व्हेन कैलकुलेटिंग लोड एवरेज। लेकिन यहां पर क्या है, देखो ये भी क्या अनइंटरप्टेबल है, मीन्स इस पे भी कोई सिग्नल का ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लेकिन आई की एक अच्छी बात क्या है, यहां पर आपके कर्नल पे कोई भी लोड नहीं ले रहा है, ये किसी भी रिसोर्सेस को भी बैकग्राउंड में यूज नहीं करेगा, आपके जो प्रोसेसर है, आपकी रैम है, उस पर कोई भी लोड इस पर नहीं आएगा अगर इसकी किसी भी प्रोसेस की स्टेट आई होती है देन। ठीक है, अगली स्टेट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगली स्टेट और हो सकती है आपकी, यहाँ पर स्टॉप्ड हो सकती है। स्टॉप्ड मीन्स यहाँ पर क्या है, स्टॉप के लिए टी रहता है, और टी का मतलब क्या है, यहाँ पर टास्क स्टॉप यानी दिस प्रोसेस इज स्टॉप, आपने इसे स्टॉप किया यूजली बाय बीइंग सिग्नल बाय अ यूजर अनदर प्रोसेस, या तो किसी दूसरी प्रोसेस से इसे स्टॉप किया गया, द प्रोसेस कैन बी कंटिन्यू बाई अनदर सिग्नल टू रिटर्न टू रनिंग, और जिसे आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो जैसे ही अगर आप चाहते हो कि ये रनिंग में आए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर टी का ही मतलब क्या, टास्क टेस्ट, अ प्रोसेस दैट इज बीइंग डीबग्ड इज ओनली टेम्पररी स्टॉप्ड एंड शेयर द सेम टी स्टेट फ्लैग, यानी कि यहाँ पर ये टास्क टेस्ट का मतलब क्या है, टेम्पररी स्टॉप्ड है, आप चाहो तो दोबारा इसे रनिंग में ला सकते हो, दोबारा रनिंग में ये स्टेट जो है वो लाई जा सकती है। बाय डिफॉल्ट आप देखोगे तो जब आप कंट्रोल जेड करते हो तो वो स्टॉप कंडीशन में जाता है। अगली है जॉम्बी, जॉम्बी का मतलब क्या होता है, जेड, जेड मतलब क्या, एग्जिट जॉम्बी,
यानी आ चाइल्ड प्रोसेस सिग्नल टू इट्स पेरेंट्स एज इट्स एग्जिट, यानी चाइल्ड प्रोसेस ने सिग्नल दिया कि पेरेंट्स को कि हाँ वो एग्जिट हो गई। ऑल रिसोर्सेज एक्सेप्ट फॉर द प्रोसेस आइडेंटिकल आर रिलीज, यानी सारे रिसोर्सेज जो यूज कर रहा था वो रिलीज कर दिया, बट प्रॉपर ये जो है आपकी प्रॉपर तरीके से आपकी यहाँ पर स्टॉप नहीं हो पाई है, यानी बीच में कुछ ना कुछ इंटरप्शन रहा है। तो जब कभी आपकी प्रोसेस प्रॉपर इंटरप्ट नहीं होती है उस कंडीशन में आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है, यानी जॉम्बी कंडीशन। लास्ट एक्स जो है, एक्स आप कह सकते हो ये एग्जिट के लिए, यानी एग्जिट डेड व्हेन द पेरेंट क्लीन अप द रिमेनिंग चाइल्ड प्रोसेस स्ट्रक्चर, यानी जब पेरेंट अपने जितनी भी चाइल्ड प्रोसेस है उस सारे स्ट्रक्चर को क्लीन कर देता है, यानी सक्सेसफुली आपकी जो प्रोसेस है वो स्टॉप्ड हो जाती है, सॉरी क्लीन हो जाती है, या फिर कह सकते हो आप रिमूव हो जाती है। तो उस चीज को हम यहाँ पर बोलते हैं एक्स स्टेट, यानी प्रॉपर ये स्टेट जो है वो एक अच्छी स्टेट मानी जाती है कि आपने प्रॉपर सक्सेसफुली क्लीन कर दिया है अपनी प्रोसेस को। यहां पर थोड़ा सा और समझते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो क्या कह सकते हैं हम कि जैसे हमने कोई सी प्रोसेस को स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर एक नया फॉर्क स्टार्ट हो गया, ये फॉर्क है। फॉर्क स्टार्ट होने के बाद इन्होंने शेड्यूल किया, यानी फॉर्क ने यहाँ पर क्या किया, आपकी एक प्रोसेस शेड्यूल कर दी। अब प्रोसेस की जो स्टेट है, ये चाइल्ड प्रोसेस की बात कर रहे हैं, प्रोसेस की जो स्टेट है वो क्या हो सकती है, आपकी रनेबल मीन्स आर है, रेडी है, ठीक है, दैट्स ओके। इस स्टेट को अगर आप स्टॉप कर देते हो, स्टॉप हो जाएगी, सस्पेंड मीन्स, और आप दोबारा इसे रिज्यूम भी कर सकते हो, यानी टी स्टेट को स्टॉप को दोबारा से रिज्यूम किया जा सकता है। या फिर अगर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये रन हो रहा है, ठीक है, रन होने के बाद आपने आर स्टेट जो है आपकी कर्नल लेवल पर रन हो रही है, इसे आप क्या करते हो, आर रनिंग यूजर जो है, मीन्स रनिंग कंडीशन में क्या है, जो रनिंग यूजर है वहां पर आपका सिस्कॉल रिटर्न, मतलब यूजर जो रन कर रहा है उस कंडीशन में क्या होगा, यूजर जैसे ही इसे कॉल करेगा कि हाँ ये वर्क करना है, तो ये वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप इस कंडीशन को एग्जिट करते हो, मीन सक्सेसफुली आपने इसे क्या किया कि आपने एग्जिट किया, अगर ये सक्सेसफुली क्लीन हो गया तब तो ये कहां जाएगा, जॉम्बी से आपका रिप पे चला जाएगा। अगर ये सक्सेसफुली क्लीन नहीं हुआ तो यहाँ पर जो है ये दोबारा से आपके जॉम्बी स्टेट में ही रह जाएगा, यानी कि सक्सेसफुली वह प्रॉपर क्लीन अप नहीं हो पाता, उस चीज को बोलते हैं यहाँ पर जॉम्बी स्टेट, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर जब आपका रनिंग कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में अगर आप क्या करते हो, उसे स्लीप पर करते हो, तो स्लीप पर जा सकता है के डी एस और आई सारी स्टेट पे जो हमने अभी बात की थी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी प्रोसेसेस जो है वो वर्क करती है। इसके बाद देखते हैं कैसे आप अपने सिस्टम की प्रोसेस को लिस्ट कर सकते हो या व्यू कर सकते हो, देख सकते हो आप। तो उसके लिए यहाँ पर जो कमांड यूज होती है उस कमांड का नाम है यहाँ पर पीएस कमांड। पीएस कमांड से आप अपने सिस्टम की जो भी प्रोसेस रनिंग में उन सबको व्यू कर सकते हो। उसके पास लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे EUX, AX, तो चलिए चलते हैं टर्मिनल पर, वहां पे देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन का क्या यूज है, कैसे आप पीएस कमांड से अपनी प्रोसेस को लिस्ट कर सकते हो, वहां पर आपको क्या क्या चीजें दिखने वाली है। तो लेट्स गो टू द टर्मिनल। तो हम आ चुके हैं अपने टर्मिनल पर। यहाँ पर सबसे पहले मैं कमांड रन कराऊंगा पीएस। तो सिंपल पीएस कमांड है, आप जब भी रन कराओगे तो इससे क्या होगा, आपको वो सारी प्रोसेस दिखेंगी जो कि आपके टर्मिनल पर रन हो रही है। तो अभी मेरे टर्मिनल पर क्या रन हो रहा है, एक तो बैच शेल रन हो रहा है, दूसरा मैंने पीएस कमांड को रन कराया तो वो पीएस कमांड रन हो रही है, जिसकी पीआईडी आपको यहाँ पर दे रखी है, और साथ ही आपको टर्मिनल दे रखा है कौन से टर्मिनल पर रन हो रही है, PTS0 इस टर्मिनल का नंबर है। जैसे अगर आपको टर्मिनल का आईडी देखनी हो यहाँ पर, तो आप यहाँ पर TTY कमांड से चेक कर सकते हो। तो अभी मैं किस टर्मिनल पर हूँ, PTS0 पर हूँ, तो देखो यहीं पर रन हो रही है। टाइम क्या है इसका, अभी टाइम यहाँ पर नहीं है कि तुरंत अभी ये रन हुआ है, जस्ट रनिंग में है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सारी प्रोसेस बाकी भी देखना चाहता हूँ जो कि मेरे सिस्टम में रन हो रही है, तो फिर मैं किस तरीके से देखता हूँ, पीएस के साथ मैं ऑप्शन यूज करूंगा AUX। AUX का यहाँ पे मतलब जो है वो क्या है, आपका A फॉर ऑल, U फॉर यूजर ओरिएंटेड, और X फॉर एग्जीक्यूशन पाथ के साथ में, एग्जीक्यूशन पाथ भी आपको दिखेगा। एंटर करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेसेस आपको यहाँ पर दिख रही हैं, और साथ ही वो कई इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिख रही है, यूजर दिख रहा है किस यूजर से ये प्रोसेस रन हुई है, दूसरा आपको यहाँ पीआईडी दिख रही है, इसकी प्रोसेस आईडी क्या है, जैसा ही मैंने कहा था कि हर प्रोसेस के लिए यहाँ पर एक आईडी रहती है, तो इसकी प्रोसेस आईडी क्या है। आपका यूजर दिखा रहा है सीपीयू परसेंटेज कितना यूज हो रहा है, मेमोरी परसेंटेज कितना यूज हो रहा है, वो सारा यहाँ पर दिखाया। साथ ही यहाँ पर आपको बीएसजेट का यहाँ पर मतलब क्या है, आपका वर्चुअल साइज। तो ये किसका साइज है, वर्चुअल मेमोरी का साइज है। वर्चुअल मेमोरी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लिनक्स के अंदर वर्चुअल मेमोरी मतलब होता है आपका फिजिकल मेमोरी, मतलब रैम और प्लस आपका स्वैप, रैम और स्वैप दोनों को मिलाकर ये मेमोरी यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट यहाँ पर दिखाया गया RSS, ये कौन सी है आपकी, ये आपकी फिजिकल मेमोरी यानी रैम, तो कितनी रैम यहाँ पर यूज हो रही है वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर TTY दिखा रहा है मतलब टर्मिनल टेली टाइप, तो ये सारी प्रोसेस किसी भी टर्मिनल पर रन नहीं हो रही, ये बैकग्राउंड पर रन हो रही है।
तो आप यहाँ पर देखोगे इसलिए क्वेश्चन मार्क का साइन दिख रहा है। जैसे और भी आप अगर नीचे जाते हो तो देखोगे कुछ प्रोसेस हो सकता है कि किसी ना किसी टर्मिनल पर रन हो रही हो, तो आप ये देख सकते हो TTY2 पर रन हो रही है ये आपकी प्रोसेस। इसके अलावा आप देखोगे तो कुछ और पर भी हो सकते हैं, PTS0 पर जो बैश और EUX हमने अभी देखा था वो रन हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो यहाँ पर आता है वो आता है स्टेट। स्टेट मीन्स क्या, यहाँ पर कि आपकी जो प्रोसेस है उसकी स्टेट क्या है। तो यहाँ पर आप स्टेट देखोगे तो स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पर SS, SS मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका जो ये प्रोसेस आपको दिख रहा है वो क्या है, स्लीप पर है। S मतलब स्लीप पर है। दूसरा S क्या है यहाँ पर, क्योंकि देखो एक तो यहाँ पर क्या चीज होती है कि आपको यहाँ पर S का मतलब स्लीप हो गया, ठीक है दैट्स ओके। दूसरा मैं इसके लिए अगर आपको कुछ दिखाऊं तो जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर आपके लिए बोर्ड को ओपन कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जो आपको स्टेट फील्ड दिख रहा है, इस स्टेट फील्ड में आप देख रहे हो यहाँ पर एस एस दिख रहा है आपको, या फिर सिंपल एस भी दिख रहा है, आई के साथ में आपको यहाँ पर ग्रेटर देन दिख रहा है, तो कई आपको यहाँ पर साइन दिख रहे हैं। इन सब का मतलब क्या है, तो अगर सबसे पहले बात करूं देखो कैपिटल एस का मतलब यहाँ पर स्लीप है, ठीक है यहाँ पर जो आपको कैपिटल एस दिख रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर स्लीप है। इसके बाद जो सेकंड एस आपको दिख रहा है, ये सेकंड एस का मतलब यहाँ पर क्या है आपको, सेशन लीडर, मीन्स ये जो प्रोसेस है वो क्या है, सेशन लीडर है, जो भी सेशन क्रिएट हुआ है उसकी लीडर ये प्रोसेस है, मीन्स लीड ये वाली प्रोसेस कर रही है, और भी कई प्रोसेस काम करेंगे बट लीड करने का काम कौन कर रही है, ये प्रोसेस। आप आई के साथ में देखोगे यहाँ पर आई के साथ में भी आपको दिख रहा है कि ग्रेटर देन का साइन आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो इस आई का मतलब क्या है, या फिर ग्रेटर देन का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करें तो देखो यहाँ पर आई का मतलब क्या है आपको, आई मतलब आपकी जो स्टेट है वो इनएक्टिव है, राइट, या फिर सॉरी आइडल पे है, इनएक्टिव नहीं बोल सकते आइडल बोल सकते हैं, आई फॉर क्या है, आइडल है, ठीक है। आइडल के साथ में अब जो यहाँ पर आपको ये साइन दिख रहा है, इस ग्रेटर देन साइन का मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, तो अगर मैं इस ग्रेटर देन साइन की बात करूं तो दैट इज फॉर द हाई प्रायोरिटी, मीन्स इस प्रोसेस के पास हाई प्रायोरिटी है, यानी जब भी कभी अगर हम देखें तो हाई प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम रिसोर्सेस को ये प्रोसेस यूज कर सकती है, मीन्स आपका प्रोसेसर रैम पहले जो है इसके लिए अवेलेबल रहेगा, यानी पहले ये यूज करेगा, बाकी प्रोसेस के लिए बाकी जो बचता है उसमें से जाएगा, राइट, मतलब इस पे कोई भी ऐसा बीच में रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि इतना ही रैम यूज हो सकता है या इतना ही आपका जो मेमोरी है वो यूज होगा। तो जिस जिस पर आपको ये साइन दिखता है मतलब वहां पर आपका हाई प्रायोरिटी है, ठीक है। आप बाकी देखो कुछ प्रोसेस पर ये हाई प्रायोरिटी नहीं है, बस कुछ प्रोसेस पर ही दे रखा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट इसके आगे हम यहां पर देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाते हो तो यहां पर आप देखोगे कि और भी कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे आपको यहां पर दिख रहा है एस एन दिख रहा है, ये एस एन दिख रहा है आपको, तो इन सब का मतलब क्या होने वाला है, जो ये बाकी की स्टेट हमें यहाँ पर दिख रही है इन सब का मतलब यहाँ पर क्या है। तो एस एन जो आपको दिख रहा है, एस मतलब तो देखो आपको स्लीप है, ठीक, जो हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पर एस का मतलब क्या होता है, स्लीप होता है। दूसरा जो कैपिटल एन है वो क्या है, लो प्रायोरिटी के लिए, कैपिटल एन का मतलब क्या है, लो प्रायोरिटी, यानी इस प्रोसेस के प्रायोरिटी लो है, यानी आपका ग्रेटर देन किसके लिए होता है, हाई प्रायोरिटी, एन मतलब क्या है, लो प्रायोरिटी, सबसे कम जो रिसोर्सेस का यूज है वो ये प्रोसेस कर पाएगा, मीन्स एंड में जब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस जो यूज हो जाएंगे उसके बाद। तो हमने अभी क्या देखा, एस फॉर सेशन लीडर, या फिर आपका ग्रेटर देन हाई प्रायोरिटी, एन फॉर लो प्रायोरिटी, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको कुछ और भी साइन दिखेंगे, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और आपको यहाँ पर क्या दिख सकता है, जस्ट गो गो एंड गो आई, ओके, यहाँ पर आप देखोगे SSL, SSL मतलब क्या है, हम कैपिटल एस देख चुके हैं कि स्लीप है, स्मॉल एल देख चुके हैं सेशन लीडर है। इसके बाद जो ये आपको एल दिख रहा है, इस एल का मतलब यहाँ पर क्या है, तो एल का मतलब यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपको यहाँ स्मॉल एल दिख रहा है, ठीक, स्मॉल एल दिख रहा है, तो स्मॉल एल का मतलब क्या है यहाँ पर, ये मल्टी थ्रेड प्रोसेस है, मल्टी थ्रेड मतलब इसके साथ में और भी कई थ्रेड इसकी जो है वो यूज हो रही है, और भी कई ऐसे पार्ट है, कई प्रोसेस हैं जो इसके साथ में अटैच्ड है और उन प्रोसेस के साथ में मिलकर ये काम कर रही है। बाकी आप देखोगे यहाँ पर ये आपको कैपिटल एस ग्रेटर देन SL दिख रहा है, वही चीज है, यहाँ पर ये प्रोसेस जो है सेशन लीडर भी है, साथ में इसकी जो है हाई प्रायोरिटी है, स्लीप पर है, प्लस मल्टी थ्रेडेड भी, ठीक है। इसके बाद और आगे अगर मैं देखता हूँ तो फिर SSL वापस आ गया, SNSL आ गया, वही आपको मिला के लो प्रायोरिटी में सेशन लीडर है, प्लस स्लीप पर है और प्लस मल्टी थ्रेडेड है, ठीक है। ये चीज भी हमें दिख गई कि हाँ सारी के सारी, कई बार हो सकता है ये सारे साइन आपको दिख जाए किसी एक प्रोसेस में,
और थोड़ा नीचे चलते हैं तो और थोड़ा नीचे पे जाने के बाद आपको एक प्लस साइन और दिख रहा है। ठीक है, ये जो प्लस साइन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस प्लस साइन का अगर हम बात करें तो प्लस साइन का मतलब क्या होता है, तो जस्ट राइट इट, तो प्लस साइन का यहाँ पे मतलब है आपका कि ये प्रोसेस जो है वो फॉरग्राउंड प्रोसेस है। राइट, ये प्रोसेस कैसी फॉरग्राउंड है, फॉरग्राउंड बैकग्राउंड मतलब जो बैकग्राउंड है, फॉरग्राउंड मतलब आपको इन फ्रंट में रन हो रही है। ठीक, तो ये प्रोसेस आपकी फॉरग्राउंड है, जो कि आप नेम देखोगे तो क्या है, यहाँ पर आपको जीडीएम वेलैंड है। जीडीएम वेलैंड मतलब क्या, जो ग्राफिक्स आपको दिखते हैं वो, तो ग्राफिक्स क्या आपके फॉरग्राउंड में रन हुए हैं। ऐसे आप देखो जीनोम सेशन, जो आपको सेशन पूरा सारे ग्राफिक्स डिस्प्ले सब कुछ दिख रहा है वो सारा, तो यहाँ भी प्लस का साइन दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीनोम सेशन। और इसके बाद चलते हैं, अगर और देखें तो यहाँ पर एस एल प्लस हो गया। ठीक है, दैट्स ओके। एंड प्लस के बाद में यहाँ एस एस एल हम देख चुके हैं। ठीक है, और अगर मैं देखता हूँ यहाँ भी प्लस देखो दे रखा है जीडीएम वेलेंट में, तो कुछ में आपको ये प्लस भी देखने को मिलेगा, या फिर जो भी ये प्लस दिख रहा है मतलब क्या है, वो सारी आपकी रनिंग में समय फॉरग्राउंड में रन हो रही है प्रोसेस। ठीक है, तो इसके बाद और कोई साइन हो सकता है इसमें, लेट्स गो, और कोई है यहाँ पर? ठीक है, आर साइन यहाँ पर, आर मीन्स क्या, रनिंग, जीनोम टर्मिनल अभी रनिंग में है, मैं इसे यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या है, रनिंग के लिए आपको आर दिखाएगा। एस मतलब सेशन लीडर है, एल मतलब यहाँ पर आपका क्या है, मल्टी थ्रेडर है, कि हम टर्मिनल के साथ में और भी कई, जैसे अभी मैं पीएस यूज कर रहा हूँ तो वो सारी, या फिर बैच भी यूज हो रहा है तो वो सारा यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, और आप टी देखो, टी मीन्स स्टॉप, पीएस कमांड मैंने पहले चलाई थी उसे स्टॉप कर दिया था, टी मतलब क्या, जो स्टॉप जो कमांड है जो आपने कंट्रोल जेड से स्टॉप की हुई है, वो सारी प्रोसेस के साथ में आपको यहाँ पर टी देखने को मिलेगा। राइट, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखो टी भी दिख रहा है। ठीक है, टी एक तो देखो टी क्या होता है, जो स्टॉप डे, जिसे आप दोबारा रनिंग में भी ला सकते हो, अगर आप चाहते हो उसे दोबारा रनिंग में लाना तो आप दोबारा रनिंग में टी वाली स्टेट को ला सकते हो, जैसा हमने पीछे पड़ा हुआ था कि स्टॉप डे में जो है अगर टी है तो उसे वापस रनिंग में लाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आप आई फॉर आइडल है, यहाँ पर टी है, और भी अगर हम देखते हैं तो लेस लेट्स और कोई हो सकता है। ठीक है, और थोड़ा चलते हैं तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, तो स्टेट में ये सारी चीजें हमने देखी है यहाँ पर, ये जो आपने स्टेट देखी है वो सारी हो सकती है, आर मतलब रनिंग, एस मतलब स्लीप। अगला देखोगे आप स्टार्ट, स्टार्ट मतलब क्या, स्टार्ट टाइमिंग है आपकी, जो प्रोसेस स्टार्ट हुई है वो कब स्टार्ट हुई है, तो देखो इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग दिखा रहा है, जो अभी हमने रन कराई है उन सबकी टाइमिंग अभी आपको दिखा रहा है, बाकी सबकी देखोगे तो अलग टाइमिंग दिखा रहा है आपको। राइट, तो यहाँ पर टाइमिंग दिख जाएगी कि वो आपने कब स्टार्ट की हुई है प्रोसेस, तो सबका देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइम है, कुछ प्रोसेस कुछ पहले ही स्टार्ट हुई थी जब मैंने सिस्टम को ऑन किया था तो उस टाइम की दिखा रहा है, कुछ प्रोसेस और भी आपको अलग दिखा रहा है। राइट, तो यहाँ पर इसके बाद दिखा रहा है टाइम की प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, तो वो दिखा रहा है, वो कुछ में तुरंत 0 दिखा रहा है, तुरंत एग्जीक्यूट हो गई, कुछ में 2 सेकंड दिखा रहा है। कमांड मतलब क्या है, कि ये जो बैकग्राउंड में रन हो रही है तो ये किस लोकेशन से हो रही है, इसका एग्जीक्यूशन पाथ क्या है, एक सिंपल वर्ड में बोले तो कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका एग्जीक्यूशन पाथ क्या है, जो प्रोसेस रन हो रही है कहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये उसकी यहाँ पर लोकेशन दे रखी है, एस बिन ऑडिट डी, देखो यहाँ पर कुछ लोकेशन भी है। राइट, ये इसकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है जहां से ये सारी एग्जीक्यूट हो रही है। राइट, यहाँ पे बैच देखो दिखा रहा है या फिर और भी दिखा रहा है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोसेस को चेक कर सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस कहाँ से और कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। राइट, आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम पीएस कमांड देख सकते हैं, और भी हम पीएस को अलग अलग ऑप्शन के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे पीएस स्पेस हाइफन एलएएक्स कर सकते हैं, इससे भी आपको यही सारी चीजें दिखेंगी, बट थोड़ा सा व्यू चेंज हो जाएगा, कुछ ऑप्शन एडेड हो जाएंगे, कुछ ऑप्शन रिमूव हो जाएंगे, जैसे यहाँ आप देखो तो अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर यूआईडी दिख रही है, फ्लैग दिख रहा है, यूआईडी मतलब कौन सा यूजर है, अभी आपको इससे पहले कमांड में नेम आता था लेकिन अब आपको क्या आ रहा है, यूआईडी आ रही है, पीआईआईडी आ रही है आपके प्रोसेस की आईडी क्या है, या फिर पीपीआईडी आ रही है कि आपके पेरेंट प्रोसेस की आईडी क्या है, और भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी दिख रही है, आपको नाइस वैल्यू दिख रही है। प्रायोरिटी मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि प्रायोरिटी ही डिसाइड करती है कि आपके प्रोसेस के लिए जो रिसोर्सेस हैं वो कितना अवेलेबल रहेंगे, अगर हाई प्रायोरिटी मीन्स कि वो पहले अवेलेबल होंगे, आपको जो भी रैम जो प्रोसेसर चाहिए वो आप सक्सेसफुली अचीव कर सकते हो, यूज कर सकते हो, अगर लेस प्रायोरिटी है तो मीन्स क्या है कि जब सबके बाद में आपको लास्ट एक को मिलेगा, जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेता हूँ प्रायोरिटी के लिए, सपोज अगर क्या है, चार लोग हैं, चार लोगों में से किसी एक को जो है कंप्लीट
क्लास के अंदर मॉनिटर बना दिया जाता है। मॉनिटर जिसे बनाया गया उसके लिए प्रायोरिटी पहले, मींस वो पहले रिसोर्सेस को यूज कर सकता है, मींस वो उसकी हाई प्रायोरिटी, बाकी जो स्टूडेंट है उनकी प्रायोरिटी नॉर्मल है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि बहुत ही कह सकते हो कि आपका मींस अनवांटेड चीजें करता है या फिर आपका बहुत ही नॉटी टाइप का है, तो उस टाइप में क्या किया जाएगा, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आप सबसे लास्ट में ये वर्क करोगे तो उसकी क्या है, लो प्रायोरिटी। उसी तरीके से यहाँ पर प्रोसेस की प्रायोरिटी को आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन ये प्रायोरिटी जो डिसाइड होती है इसके लिए नाइस वैल्यू का यूज किया जाता है। आगे मैं इसके पूरा कवर करूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। इसके बाद आप देखोगे तो ये वर्चुअल साइज हम पीछे भी देख सकते हैं, RSS मतलब फिजिकल मेमोरी, ये भी हम पीछे देख चुके हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर WCHN यानी WCHN, ये क्या होता है, तो WCHN को देखने के लिए जैसे कुछ ऑप्शन क्या है, अगर आपको बाई चांस नहीं भी याद रहते हैं, रिमेंबर नहीं रहते, तो इसके लिए बहुत अच्छा लिनक्स में एक ऑप्शन है हेल्प का। हेल्प के लिए आप यहाँ पर मैनुअल पेज देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, जस्ट ओपन सेकंड टर्मिनल, और यहाँ पर मैं कमांड रन कराता हूँ मैन स्पेस PS, तो यहाँ पर मुझे सारे ऑप्शंस जो भी यहाँ है वो सारे दिखेंगे, जैसे PS का काम क्या है या फिर सब कुछ यहाँ पर दिखने वाला है। तो मैं WCHN के लिए थोड़ा लास्ट में चला जाता हूँ क्योंकि इसका फील्ड जो है मुझे लास्ट में मिलने वाला है। जस्ट गो गो एंड गो इन लास्ट, और लास्ट में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा WCHN, तो वेयर इट इज, लेट सी WWW, जस्ट गो गो एंड गो, ओके दिस इज WCHN राइट। तो वट इज दिस एक्चुअली, नेम ऑफ द कर्नल फंक्शन इन विच द प्रोसेस इज स्लीपिंग, मीन्स आपके कर्नल पर जो प्रोसेस स्लीप कर रही है वो किस प्लेस पर कर रही है। कर्नल का एक लोकेशन है, कर्नल का प्लेस है जहां पर ये आपका जो प्रोसेस है वो स्लीप करती है राइट। तो इस तरीके से हमें WCHN दिखा, जैसे आप यहाँ आते हो तो आपको क्या है, ये कर्नल का प्लेस है, कर्नल का एड्रेस है जहां पर आपकी जो प्रोसेस है वो स्लीप कर रही है या फिर आइडल पे है, जो भी वर्क कर रही है ठीक है। स्टेट हम पीछे भी देख चुके हैं, सेम स्टेट है, TTY यानी टर्मिनल टेरी टाइप, ये भी हम पीछे देख चुके हैं। टाइम आप देखोगे तो टाइम भी आप पीछे कवर कर चुके हैं, कमांड को भी देख चुके हैं, फ्लैग बचता है ठीक है। फ्लैग क्या होता है, तो यहाँ पर फ्लैग के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, देखो फ्लैग भी यहाँ पर आपको दिखेगा, या फिर सर्च करना चाहते हो स्लैश करके आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो फ्लैग, ओके पैटर्न नॉट फाउंड, FLAG, ओके डोंट वरी। तो इसके लिए मैं करता हूं जस्ट गो गो एंड गो वेयर इट इज फ्लैग, फ्लैग ऑप्शन अप अप एंड अप, ये देखो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस जो हमने पीछे कवर किए थे, ये आपका इस साइन का मतलब हाई प्रायोरिटी, साइन का मतलब लो प्रायोरिटी होता है, इस साइन का मतलब होता है पेज आपका मेमोरी में लॉक हो रखा है, एस का मतलब सेशन लीडर होता है, स्मॉल एल मल्टी थ्रेडेड है यानी ये क्लोन थ्रेड का यूज कर रहा है, प्लस का मतलब फोरग्राउंड प्रोसेस है, जो भी मैंने यहाँ का सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर फ्लैग का देखो, प्रोसेस फ्लैग्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको फ्लैग में वन दिखता है, वन मतलब क्या है, फॉक्ड बट डिड नॉट एग्जीक्यूट, इसकी फॉक क्रिएट हो रही है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रही। फोर मतलब क्या है, यहाँ पर यूज सुपर यूजर प्रिविलेज, ये जो है सुपर यूजर का प्रिविलेज यूज कर रहा है, जैसे आप यहाँ पर देखते हो तो फ्लैग में देखो जो फोर है मतलब ये सुपर यूजर का जो सुपर यूजर को यूज कर रहा है उसका प्रिविलेज को यूज कर रहा है। वन जितने भी आपको दिख रहे हैं, वन का मतलब यहाँ पर क्या है कि वन मतलब आपका जो है ये फॉक्ड हो रखा है यानी फॉक ने इसे क्रिएट किया है बट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है राइट, एग्जीक्यूट ये अभी नहीं हो रहा है, तो आप देखोगे स्लीप या आइडल पर यूज हो रहे हैं राइट। या फिर मैं यहाँ पर और थोड़ा सा नीचे चलता हूं तो नीचे आप देखोगे फोर है ठीक, सुपर यूजर प्रिविलेज क्यों या रनिंग में, रनिंग कंडीशन में दिख रहा है, या फिर ये भी देखोगे आपका स्लीपिंग में लेकिन सेशन लीडर है तो आपको यहाँ पर ये रनिंग में देखो ये दिख रहा है फोर मतलब रनिंग ठीक। तो फोर मतलब क्या है, यहाँ पर ये फ्लैग है जो कि फ्लैग आपको यहाँ पे शो कर रखी है ठीक है। इसके बाद अगर देखें यहाँ पर तो ये कमांड मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली देख ली ठीक है, इसका क्या मतलब होता है ओके एंड, और मैं क्या यूज कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर PS-EF का यूज कर सकता हूँ, -EF ऑप्शन से भी आपको यहाँ पर दिखेंगी प्रोसेस, कुछ चीजें वही ऐड हो जाएंगी कुछ चीजें हट जाएंगी, जैसे आप देखते हो यहाँ पर तो सबसे पहले वेयर इट इज EF, ओके UID दिख रही है कौन सा यूजर से एक्सिक्यूट हो रही है, PID दिख रही है, PPID दिख रही है कि पेरेंट प्रोसेस ID कौन सी है इसके लिए। यहाँ पर आपको एक C ऑप्शन भी दिख रहा है राइट, C ऑप्शन भी दिख रहा है, C का मतलब यहाँ पर क्या है आपका CPU यूटिलाइजेशन से, ये C जो आपको यहाँ शो कर रहा है वो CPU यूटिलाइजेशन के लिए, या आपकी जो CPU यूटिलाइजेशन है वो कितना हो रहा है। S टाइम की अगर बात करोगे तो S टाइम यहाँ पर क्या है, स्टार्ट टाइम S टाइम दिख रहा है आपको, TTY टर्मिनल टाइम एंड CMD सारी चीजें सेम दिख रही है ठीक है। या फिर अगर आप इस C को देखना चाहते हो तो वो C आपको यहाँ पर दिखना चाहिए, कहाँ दिखेगा, वेयर इट इज द ऑप्शन C, जस्ट गो डाउन
एंड गो डाउन डाउन एंड डाउन दिस इज ओके दिस इज सी प्रोसेसर यूटिलाइजेशन। तो इस तरीके से हमें यहां पर क्या है? शो हो रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन भी जब चेक हो जाए इसके बाद और क्या देख सकते हैं? लेट्स, तो हम यहां पर देख सकते हैं, हम यहां पर पीएस स्पेस एंड हाइफन ई कैपिटल एफ देख सकते हैं। कैपिटल एफ में देखो कुछ चीजें यहां पर ऐड हो जाती हैं। आप अगर ये देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिख रहा है। लेट्स गो, तो यूआईडी दिख रहा है, पीआईडी दिख रहा है, पीपीआईडी दिख रहा है, सी दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर एसजेड भी दिख रहा है। एसजेड यहाँ पर देखो क्या होता है, साइज। एसजेड मतलब क्या है? साइज है। और आरएसएस फिजिकल मेमोरी देख चुके हैं, पीएसआर। तो एसजेड और पीएसआर, लेट्स सी व्हाट इज दिस। सो एसजेड वेयर इट इज। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, लेट्स 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 वेयर इट इज, एसजेड एंड पीएसआर। ओके, तो एल एम एन पी एंड पीएसआर। ओके, प्रो आई थिंक राइट, पीएसआर। तो देखो पीएसआर का मतलब यहाँ क्या, प्रोसेसर दैट प्रोसेस इज करंटली असाइंड टू। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि पीएसआर मतलब क्या, प्रोसेसर जो आपका असाइंड हो रखा है तो वो जीरो दिखा रहा है यहाँ पर, कि कोई प्रोसेसर का भी ये यूज नहीं कर रही है। मीन्स प्रोसेसर यूटिलाइजेशन बहुत कम हो रखा है यहाँ पर। या फिर अगर मैं दूसरा देखता हूँ, दूसरा मैंने यहाँ पर क्या देखा था, वॉट इज एसजेड। ओके, तो एसजेड अगर देखोगे तो आर एस नीचे आना चाहिए, एस जी आई साइज एसजेड, अलग से एसजेड दे रखा है ये, एल एम एन टी वी एसजेड। ओके एसजेड, तो साइज इन फिजिकल पेजेस ऑफ द कोर इमेज ऑफ द प्रोसेस, राइट। तो प्रोसेस की जितने भी फिजिकल पेजेस हैं जो कि रन हो रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो ये फिजिकल पेजेस के साइज दिखा रहा है यहाँ पर, कि कितना फिजिकल पेजेस का साइज है, राइट। एक तरीके से कह सकते हो जितना आपका रैम पर लोड हो रखा है यूजेस में वो सारा यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ये पेजेस का साइज है, ये मेमोरी का साइज है, राइट। तो ये डिफरेंस इन दोनों में। तो आप इस तरीके से यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हो ऑप्शंस के साथ। इस ऑप्शन को आप पी एस स्पेस ए एक्स पे भी चला सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ लेस ऑप्शंस दिखेंगे। पी एस स्पेस ए एक्स किया मैंने, तो यहाँ पर देखो हमें क्या क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें पी आई डी दिख रही है, टी टी वाई दिख रहा है, स्टेट दिख रही है, टाइम दिख रहा है, कमांड दिख रहा है, राइट। या फिर आप चाहो तो इसे पी एस स्पेस ई पर भी चला सकते हो। ई चलाओगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ चीजें ही दिखेंगी, जो कि आपको क्या किसी ना किसी टर्मिनल पे रन होगी। टर्मिनल मीन्स क्या है कि ये पीटीएस 0 जो अभी हमारे सिस्टम पे रन हो रहा है, पीटीएस 1 जो मैंने दूसरा टर्मिनल भी ओपन कर रखा है, या फिर टीटीवाई जो मेरे सिस्टम पे रनिंग में है, यानी जीनोम सेशन वगैरह जो है वो सिर्फ प्रोसेस आपको दिखेंगी। तो इस तरीके से हमने देखा पीएस कमांड को कैसे कैसे हम डिफरेंट तरीकों से चला सकते हैं। इसके अलावा पीएस पे हम यहाँ पर पीएस ट्री कमांड चला सकते हैं। पीएस ट्री कमांड आप चलाओगे तो यहाँ पर पूरा आपको ट्री फॉर्मेट दिखेगा प्रोसेसेस का, जो कि देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, सिस्टम डी से हो रहा है। सिस्टम डी सारी प्रोसेस को ऑन करता है। सिस्टम डी क्या, सिस्टम डेमन है जिसके अंडर में ये सारी मॉडेम मैनेजर और भी इसके सारे नेटवर्क मैनेजर जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सबको ये ऑन कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपको ट्री फॉर्मेट पूरा दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो किसी प्रॉपर यूजर के लिए चेक करना, जैसे मैं यहाँ पर एक कमांड है पी ग्रेफ हाइफन एल एंड हाइफन यू, यू फॉर यूजर। अब मैं चाहता हूँ मेरे सिस्टम में स्टूडेंट यूजर है, मैं इसकी प्रोसेस को देखो, कोई प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे टर्मिनल पर चलता हूँ और यहाँ पर मैं यूजर को लॉगिन कर लेता हूँ, एसयू हाइफन एंड देन स्टूडेंट। तो ये मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया, स्टूडेंट लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर देखता हूँ तो मैं यहाँ पर देखो प्रोसेस हमारी रन हुई, बैच यहाँ पर रनिंग है, राइट। तो स्टूडेंट का बैच जो यहाँ पर रन कर रहा है तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिख गई। या फिर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मे बी प्रोसेस जस्ट टू टॉप, कुछ और कमांड्स भी मैंने रन कराई यहाँ पर। अभी अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो देखो टॉप भी यहाँ पर रनिंग में। मीन्स हम यहाँ पर किसी यूजर के लिए भी देख सकते हैं कि वो यूजर किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये हो सकता है कि आपने रिमोट दे रखा हो, रिमोट पर भी क्या वर्क कर रहा है वो चीजें भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, पी ग्रेप से मैंने ये चेक किया। अगर मैं यहाँ पर एक कमांड और भी रन करा सकता हूँ, पी एस ट्री स्पेस, नो 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 नॉट पी एस ट्री, एक्चुअली पी एस ट्री से हम ये देख सकते हैं। जैसे हमने अभी ट्री फॉर्मेट देखा, अगर आप किसी यूजर की ट्री फॉर्मेट देखना चाहते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये स्टूडेंट यूजर लॉग इन किया है, तो आप पी एस ट्री हाइफन की करके स्टूडेंट का यहाँ पर पूरा ट्री फॉर्मेट देख सकते हो। बैच रन हो रहा है, बैच के ऊपर टॉप रन हो रहा है, राइट। तो वो चीज हमें यहाँ फॉर्मेट दिख गया। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अगर आप सर्च करना चाहते हो किसी स्पेसिफिक प्रोसेस को, राइट, मैं एस एस एच डी को चाहता हूँ जो आपका रिमोट के लिए यूज होता है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, पी एस स्पेस हाइफन सी
जस्ट टू पी एस स्पेस हाइफन सी एंड देन मैं यहाँ एस एस एच लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ। ओके ओके व्हाट इज रॉन्ग, हाइफन आई थिंक कैपिटल सी, जस्ट डू ओके कैपिटल सी। तो यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा एस एस एच डी, राइट। तो ये रनिंग में इसकी पी आई डी क्या है, मुझे पी आई डी भी इसकी पता लग रही है कि एस एस एच डी रनिंग में, या फिर और कोई प्रोसेस हो सकती है, फायर वॉल समथिंग, नो नो नॉट एनी फायर वॉल, फायर वॉल डी, ओके फायर वॉल डी इट इज, फायर वॉल डी की यहाँ पर प्रोसेस आई डी मुझे दिख रही है। तो मैं किसी भी स्पेसिफिक सर्विस को चेक कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर अगर मुझे प्रॉपर अगर कोई पी आई डी चेक करनी है, प्रोसेस आई डी सिर्फ चेक करनी है, तो मैं यहाँ पर पी आई डी ऑफ लिख सकता हूँ, पी आई डी ऑफ एंड एस एस एच डी। तो एस एस एच डी की पी आई डी क्या है, 1046, देखो यहाँ भी सर्च हुआ था, प्रॉपर सर्च कर सकते हो। या फिर अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर किसी पी एस स्पेस, मैंने अभी यहाँ पर देखा था 942, राइट 942 प्रेस एंटर, तो मुझे यहाँ दिख गया कि 942 किसकी प्रोसेस आई डी है, फायरवॉल डी की, राइट। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि मैं किसी स्पेसिफिक आईडी से चेक कर सकता हूँ कि उसकी प्रोसेस कौन सी है, प्रोसेस से चेक कर सकता हूँ कि उसकी पीआईडी कौन सी है। इसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हो अभी जो करंट शेल है इसकी प्रोसेस आईडी चेक करना चाहते हो, तो इसके लिए यहाँ पर वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल इको एंड देन आपको डबल डॉलर देना है। आप डबल डॉलर यूज करोगे तो आपको पीआईडी दिखाएगा आपके करंट इस समय जो शेल यूज कर रहे हो उसकी, शेल की है क्या 2580, लाइक 2 2 5 एंड 8 0। अगर मैं यहाँ पी एस स्पेस सॉरी नॉट पी एस स्पेस 2580 करता हूँ, तो यहाँ देखो दिखा रहा है किसकी, बैच की है, राइट ये शेल की, ठीक है। तो मुझे इस तरीके से यहाँ पे पता लग गया। या फिर अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ क्यों और क्या कर सकते हैं हम इसमें, पी एस हमने कर लिया, ठीक है। हाँ तो पी एस में ये हमने कंप्लीट कर लिया, कैसे हम पी एस को रन करा सकते हैं, पी एस की सारी चीजों को हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो आज के वीडियो में फिर मैं इतना रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो को और ज्यादा करता हूँ तो यहाँ पर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग लंबे वीडियो में बोर हो जाते हो। छोटा वीडियो देखो, ठीक है, हाफ एन आवर या 1 आवर तक का वीडियो, दैट्स ओके, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है 52 मिनट तक हम कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। सो दैट्स ओके फॉर टुडे। अगले टॉपिक में मैं इसके आगे की बात करूंगा, जैसे टॉप कमांड जो कि रियल टाइम प्रोसेसेस के लिए, उसे कैसे कर सकते हैं, या फिर और भी मैं जॉब कंट्रोलिंग वगैरह पूरा सब कुछ कवर करूंगा अगले सेशन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।